Pornodom. Hm? Meucheln. नमस्कार दोस्तों, एजी पार्टी में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे हो उसी तरह आप भी न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में वी एन ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों इधर से देख सकते हो, इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपको जो भी पोस्ट है वो ऐड कर लेने हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने पोस्ट है वो इधर से मैं ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको जितने पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों इधर से ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके भी जितने भी पोस्ट है वो आप सब इधर ऐड कर लेना। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से इतने पोस्ट ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से नीचे आपको एक तीर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सभी पोस्ट कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों ऊपर ओरिजिनल लिखा हुआ क्लिक करना है, 9/16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपका म्यूजिक वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं अपना म्यूजिक वो ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ जाएगा और इधर से आपको म्यूजिक बिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपको कुछ यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से एक वाइट वीडियो जो कि इधर स्क्रीन पे आपको ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इसे यस पे क्लिक कर देना और कुछ ही देर वीडियो रहेगा वो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपका वीडियो रहेगा वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों इधर से आपको यहाँ तक आ जाना है और यहाँ से आपको अपने जो आपके बीट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर से आपको कुछ इसी तरह से मतलब पोस्ट कुछ इसी तरह से आपको अपने बीट है वो भी ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर अपने बीट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों इधर मैं अपने पहले बीट है वो भी ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको भी अपने बीट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आप अपने बीट देख सकते हो उसी तरह से मैं सभी बीटों को पहले ऐड कर लेता हूँ जो कि देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर पहले अपने बीट है वो ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से यस पे उसी तरह से आपको सभी पोस्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपको अपने पोस्ट को कुछ इसी तरह से सेट कर देना है जो कि देख सकते हो उसी तरह से आपको आपके सभी पोस्टों को कुछ इसी तरह से सेट कर देना है और यहाँ से आपको आपके सभी पोस्टों को कुछ इसी तरह से कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपको पहले वाले पोस्ट पर क्लिक करना है और इसे थोड़ा जूम कर देना है। तो दोस्तों इसे थोड़ा हम जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद दोस्तों उसी तरह से इधर आपको एक अपने पोस्ट को कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक टी फ्रॉम का ऑप्शन है वो क्लिक करना है। यहाँ से आपको पोस्ट पर याद करा जाना है। यहाँ से आपको अपने पोस्ट को कुछ उसी तरह से आगे की तरह ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर इस पोस्ट को कुछ इसी तरह से कर देना है और दूसरे पोस्ट में उसी तरह से आपको आ जाना है। इस पोस्ट को आपको थोड़ा जूम कर देना है और उस साइड तक सेट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इस पोस्ट को कुछ उसी तरह से ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक टी फ्रॉम का ऑप्शन दे देना है और उससे थोड़ा आगे आ जाना है। यहाँ से आपको अपने पोस्ट को कुछ इसी तरह से स्लाइड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको सभी पोस्टों को आपको जहाँ तक आपके इधर आपको कुछ 23 सेकंड तक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर 23 सेकंड तक जो इधर 21 सेकंड तक कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपको अपने पोस्ट है वो कुछ अलग तरह के ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर से मैं अपने पोस्ट है वो कुछ उसी तरह से कर देता हूँ। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों आपको सभी पोस्टों में कुछ इसी तरह से एक अलग तरह का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों इस पोस्टों में आपको कुछ इसी तरह से आपको एक इफेक्ट है जो कि अलग तरह का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर से आपको ये वाला इफेक्ट है जो कि ऐड कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद इसे फुल कर देना है। उसी तरह से आपको सभी पोस्टों में ये का ये इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। उतना करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर आपको सभी में वो का वो इफेक्ट है ऐड कर लेना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो है जो कि ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर से मैं एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से आपको भी अपना ब्लैक वीडियो उसी तरह से एक ब्लैक वीडियो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से जूम कर देना है और जूम करने के बाद दोस्तों नीचे ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपको स्किन कर देना है। स्किन करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो रहेगा वो कुछ उसी तरह से बनके रेडी हो जाएगा। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से ऊपर एक्सपोर्ट है यहाँ से यस पे क्लिक कर देना, क्योंकि वीडियो रहेगा इजीली आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।